सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CCSU से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। छात्र छात्राओं की प्रोन्नति को लेकर भी स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, CCSU कैंपस कॉलेजों में अभी तक परीक्षा को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन भी शासन की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर शासन ने सिर्फ अभी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की जो है वो बात कही है ऑफिशियली। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने अभी ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। यानी कहने का मतलब, जो भी CCSU के अध्यक्ष हैं और कुलपति हैं, उन्होंने अभी ये निर्णय नहीं दिया है कि आप प्रमोट हो चुके हैं। तो अभी आप ये मानिए सिर्फ कि जो है आपको अभी निर्णय का इंतज़ार करना है, जो भी इनका जो है निर्णय है। अब वो कब तक आएगा आपको बता दूं, CCSU की वेबसाइट पर 15 जून से पहले कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर आप इस बात को नोट कर लें, 15 जून के बाद जो है वो आपका सामने आएगा। मैं आपको बता दूं, बहुत से विद्यालयों में 22 जून तक छुट्टी, ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो भी परीक्षा से संबंधित जो है डिटेल्स हैं वो आपको जुलाई में देने होंगे। दोस्तों, फर्स्ट ईयर के छात्र तो प्रमोट हो जाएंगे, वो चाहे जिस तरह प्रमोट हों, लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दोस्तों, सेकेंड ईयर में कौन से छात्र पास होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेकेंड ईयर में वो छात्र पास होंगे जो अगले साल फर्स्ट ईयर में पेपर देकर पास हुए थे। लेकिन जो विद्यार्थी अभी सेकेंड ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए थे, उनको जो है पेपर देना होगा, वो प्रमोट नहीं होंगे थर्ड ईयर के लिए। और थर्ड ईयर वालों को तो देना ही देना है, 100% जो है थर्ड ईयर वालों को पेपर देना है। अब यहाँ पर बहुत से विद्यार्थियों के मन में यह संकोच है कि सर, हम सेकेंड ईयर में जो है एक दो पेपर दिए थे, बाकी में जो है पास नहीं हुए या फिर बाकी में प्रमोट हो गए। तो आपने अगर एक दो पेपर दिए हैं या तीन पेपर दिए हैं और एक दो में आप प्रमोट हुए हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपको सिर्फ उन्हीं दो विषयों का एक ही पेपर करा दिया जाएगा, छोटा मोटा हल्का फुल्का, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप प्रमोट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यही जो है खबर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से है। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट्स में बिना जो है टेंशन के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा वाला बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें। पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।